Excuse me, sir. We are unable to hear you. You are not audible. अस्सलाम वालेकुम सर, मुनीर सर, आई थिंक योर माइक इज म्यूट। अनम्यूट रखा हुआ है। अब देखिए, अब आवाज आ जी रही है। अब आ रही है, जी अब आ अच्छा, रही है। तो सॉरी फॉर दैट। बेसिकली मैं बैकग्राउंड बता रहा था कि ये जो प्लेजरिज्म पॉलिसी थी, ये 2007 में HEC ने अप्रूव की थी और सर्कुलेट हुई थी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ऑब्जेक्टिव तो यही था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो एकेडमिक डिसऑनेस्टी, स्पेशली जो प्लेजरिज्म की मेनेस है, उसको हम एड्रेस कर सकें। और उस हवाले से जाहिर है सारे स्टेक होल्डर्स ने मिल के इसको इम्प्लीमेंट करना था। स्पेशली यूनिवर्सिटीज का रोल ज़्यादा बनता है, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्टूडेंट्स की जो मामलात हैं वो लीगली सब उनके अंडर या उनके परव्यू में आते हैं। HEC ने भी अपना रोल प्ले किया, जिसमें क्वेश्चंस भी किए गए, HEC पे को ब्लेम भी किया गया, कोर्ट केसेस भी बने और मीडिया में भी उसको रिफ्लेक्ट किया गया। तो अब अथॉरिटीज ने जिस तरह बाकी पॉलिसीज या जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है, इसी तरह HEC की प्लेजरिज्म पॉलिसी के लिए मुझे एक तरह से टास्क दिया गया कि आप लोगों के साथ कंसल्ट करके एक प्रपोज डॉक्यूमेंट मैं एक्सपर्ट कमेटी के लिए सबमिट करूं। तो उस हवाले से हमने पहले तो जो मेरी जो अपनी नॉलेज बेस एक तरह से बनी ओवर द इयर्स के इस पॉलिसी में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमारी प्लेजरिज्म पॉलिसी में आपको पेज भी दिखा देता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट HEC वेबसाइट है वहां पर भी ये किस जगह पर लोकेटेड है। अक्सर लोग इसको लोकेट करने के लिए भी हमसे पूछते हैं कि ये HEC वेबसाइट पे कहाँ अवेलेबल है। ये डिफरेंट जो टैब्स बने हुए हैं वहाँ पर, ये क्वालिटी एश्योरेंस में प्लेजरिज्म एंड ब्लैकलिस्टेड फैकल्टी, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स प्लेजरिज्म पॉलिसी के अवेलेबल हैं। लिटिल बुक ऑफ प्लेजरिज्म, ये बेसिकली एडॉप्टेड डॉक्यूमेंट है जो मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी लंदन का है। प्लेजरिज्म पॉलिसी जो HEC का खुद डेवलप शुदा डॉक्यूमेंट है, जिसमें इसकी डेफिनेशन, प्लेजरिज्म की डिफरेंट जो मैनिफेस्टेशंस हैं या टाइप्स हैं वो भी प्रोवाइडेड हैं। देन एक अपडेट प्लेजरिज्म पॉलिसी के हवाले से नोटिफिकेशन, ये पॉलिसी सर्कुलेट होने के बाद के जो है केसेस को, कंप्लेंट्स को इंटरटेन किया जाए, उससे पहले जो कंप्लेंट्स हैं अगर कोई बेनिफिट नहीं ले रहा था उसको ओपन ना किया जाए। देन SOPs फॉर प्रोसेसिंग प्लेजरिज्म केसेस, एक प्रोसेस नोट हमने डेवलप किया था हाउ HEC डील्स विद प्लेजरिज्म। टर्निटन एक हमने टूल अक्वायर किया था और ऑब्जेक्टिव ये था कि इसके थ्रू जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगे, पीयर रिव्यू होगा, स्टूडेंट्स की जो है कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में वो लर्न करेंगे। देन चेकलिस्ट फॉर प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी कुछ SOPs फॉर अपील वगैरह, वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आज के जो सेशन है उसमें मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि जो हमने डॉक्यूमेंट शेयर किया आपके साथ थ्रू ईमेल, उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम फर्दर क्लेरिफिकेशन के हवाले से उसमें ऐड करें। मैं वो डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लेता हूँ। ये मेन जो HEC प्लेजरिज्म पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, जिसमें टोटल 14 पैराज हैं और ये फर्स्ट पैरा प्रियम्बल के तौर पे है। इसमें जो मेरी तरफ से एडिशन थी वो हाइलाइटेड या बोल्ड लेटर्स में थी, बोल्ड वर्ड जो शुरू से लेकर आखिर तक सारे पैराज में। इसी तरह सेकंड पैरा जो था वो डेफिनेशन के हवाले था, जिसमें हमने जो है इस पर्टिकुलर एकेडमिक मैटर की डेफिनेशन देने की कोशिश की, और वो अभी ही जो रिवीजन के लिए या एक तरह से फर्दर इम्प्रूवमेंट के हवाले से, ये मैंने जो plagiarism.org है वेबसाइट उससे उसको पिक किया है। क्योंकि plagiarism.org जो वेबसाइट है ये टर्निटन वालों की तरह से डेवलप की हुई है,
और चैनेटिन इस वक्त मोर देन 120 कंट्रीज में यूज हो रहा है, और उस के यूजर्स जो हैं हाई स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो उनकी आसानी के लिए उन्होंने चीज़ें जो है वो डिफाइन की हुई हैं, कुछ जहाँ से बारो की गई हैं उनका भी वो मेंशन किया जा रहा है। एक्चुअल इशू डेफिनेशन से ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंटेशन का हमें आ रहा होता है, तो डेफिनेशन को फर्दर जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक किया जा रहा है। जी सर, अगर कोई भी आप बीच में बात करना चाहें, कोई भी आपकी या वो हैंड रेज का ऑप्शन भी आता है और वैसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि डेफिनेशन का पार्ट जो है हमारे एंड पे जेनरिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए, जैसे IEEE की भी गाइडलाइंस हैं प्लेजरिज्म के हवाले से, APA की अपनी है, इसी तरह हर डोमेन की या पर्टिकुलर मेन फील्ड की सब्जेक्ट की डिसिप्लिन की सेपरेट गाइडलाइंस होंगी जिनको जरूर कंसल्ट किया जाए यूनिवर्सिटीज में। जब ये कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस स्पेसिफिक डिसिप्लिन की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी देखना चाहिए। ये HEC एक स्टैंडर्ड आपको सेट करके दे रहा है, स्टैंडर्ड्स को मीट करना बिल्कुल मैंडेटरी होता है, और उसकी जो फर्दर फील्ड स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो कमेटी या जो वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं उसको। जो पैरा 3 था, दैट इज अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लेजरिज्म एंड जो इसकी टाइप्स हैं, तो अब मैं जो प्रपोज कर रहा हूँ वो टर्निटिन की वेबसाइट पे, टर्निटिन ने ओवर द इयर्स जो उनके नॉलेज में चीज़ें आई उसकी बुनियाद पे उसकी टाइप्स डिफाइन कर दी हैं। और ये जो जिस मैंने अर्ज किया कि दुनिया भर के लोग जो है टर्निटिन को यूज कर रहे हैं, और हर एज के, राइट फ्रॉम जिसको कहते हैं हाई स्कूल से अंडर ग्रेजुएट लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स, तो उनकी फीडबैक या उनकी जो पार्टिसिपेशन के बाद वो उन्होंने ये डेवलप किया है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो उन्होंने वेबसाइट पे इसकी टाइप करती हुई है, तो नाम दे रहे हैं स्पेक्ट्रम, ये विजिबल होगा स्क्रीन पे। तो स्पेक्ट्रम में वो टोटल 10 टाइप जो है ना डिफाइन कर रहे हैं, कि एक तो क्लोन टाइप है, जैसे क्लोनिंग का वो सिलसिला होता है, कि परपेटम जिसको हम कह रहे होते हैं हमारी पॉलिसी के अंदर, ये वो टाइप है। और इसके बाद जो है उसका कंट्रोल सी उन्होंने टाइप डिफाइन किया हुआ है, ये थोड़े कंप्यूटर से रिलेटेड कंट्रोल सी वाला जो है ज्यादा आजकल डिजिटल रिसोर्सेज सोर्स मटेरियल जो है डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू अवेलेबल है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से लोग वहीं से कंट्रोल सी करके और जो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सेंटेंसेस होते हैं वो उसमें एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तीसरी टाइप उन्होंने फाइंड रिप्लेस की दी हुई है, ये पर्टिकुलर वर्ड्स को सिर्फ चेंज करके इंडिजिनस की जगह पर, जैसे इन्होंने नेटिव नॉन नेटिव कर दिया, नॉन इंडिजिनस को नॉन नेटिव कर दिया, सेक्रेड को स्पेशल, कोई स्पेशल हाँ रिलीजियस को उन्होंने सेक्रेड कर दिया, तो ये कुछ अल्फाज चेंज करके उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। देन रीमिक्स है, ये टेक्निक जो है इसमें मल्टीपल सोर्सेज को उन्होंने रिप्रोड्यूस किया हुआ है, पैराफ्रेज कर बीच में कुछ अल्फाज को। रिसाइकिल है जिसमें जनरसली बोरोइंग फ्रॉम राइटर्स प्रीवियस वर्क, ये बड़ा इशू बनता है कि जी राइटर्स का जो ऑलरेडी सबमिटेड काम है उसको सेल्फ प्लेजरिज्म कहा जाता है। वो सेल्फ प्लेजरिज्म की डेफिनेशन भी बड़ी सब्जेक्टिव रही है, कि थीसिस से जो रिप्रोड्यूस पेपर किया जाता है उसको तो प्लेजरिज्म में कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक तरह से थीसिस की एक समराइज्ड वर्जन कह लें पेपर के फॉर्म में जब हम पब्लिश कर रहे होते हैं। देन हाइब्रिड अप्रोच है कि कंबाइंड परफेक्टली साइटेड सोर्सेज, सोर्स तो साइट किए जा रहे होते हैं और उनको जो है कॉपी भी एज इट इज किया जा रहा होता है। देन मैशअप, एक अगेन मिक्सेस कॉपीड मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज,
इसके बाद जो है 404 एरर, इसमें स्पेशली जो सोर्सेज होते हैं उनको मेंशन तो किया जाता है बट एक्चुअली वो कंसल्ट नहीं किए जा रहे होते हैं, कंसल्ट कोई और किया जा रहा होता है और मेंशन कोई और किया जा रहा होता है। एग्रीगेटर प्रॉपर साइटेशन तो होती है और बट वो पेपर जो है उसमें कोई एक्चुअल कंटेंट या कोई उससे जो रेफरेंस मटेरियल है वो नहीं रिप्रोड्यूस किया जाता है। रीट्वीट वाला मामला कि ये भी वर्बेटम की तरह या जो हम क्लोन शुरू में देख के आए उस तरह है बट कुछ उसमें चेंज करके कुछ एडिशन करके किया है। ये इनका प्लेजरिज्म स्पेक्ट्रम वन था। अभी प्रपोजल ये है कि हम इसको भी शामिल उसमें कर सकते हैं और साथ में इन्होंने जो लेटेस्ट प्लेजरिज्म स्पेक्ट्रम टू दिया हुआ है उसको भी हम कर सकते हैं शामिल। तो मैं प्लेजरिज्म स्पेक्ट्रम टू जो है वो ओपन करता हूँ, इसी तरह आपको शो करता हूँ। उसमें फर्दर टू टाइप्स जो है ना इंक्लूड की गई है जो प्लेजरिज्म की, इसमें 10 टाइप्स थी तो 2 टाइप्स को फर्दर ऐड उसमें किया गया है। ये विजिबल है आपको? मेरा ख्याल नहीं होगी, एक मिनट में दोबारा। हाँ अब होगी। इसको टर्निटन वालों ने प्लेजरिज्म स्पेक्ट्रम 2 का नाम दिया हुआ है। ये थोड़ी उससे बेहतर डिस्क्रिप्शन है जो पहले वाला हम देख रहे थे। इसको ग्रीन एरिया जो है दैट इज द एक्चुअल थिंग कि हम एक्सपेक्ट करते हैं जो रिसर्चर या स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे होते हैं उनसे हम ओरिजिनल थिंकिंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बट एक्चुअल हो क्या रहा होता है, कोलुजन हो रहा होता है। कोलुजन का आप हम मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम कल्चर एक चल पड़ता है कि असाइनमेंट सारे स्टूडेंट के लिए सेम होती है तो वो कोई एक सॉल्व करता है तो बाकी मार्केट में आ जाती है और कट पेस्ट करके वो रिप्रोड्यूस की जाती है। तो वो एक जो हैबिट डेवलप हो जाती है अंडर ग्रेजुएट लेवल के, एक असाइनमेंट हमने इस तरह बना लिया और मार्क्स मिल गए हमें, तो ये स्टूडेंट कोलुजन कहलाता है और उसको जितना हो सके अवॉइड करने की जरूरत होती है। देन वर्ड फॉर वर्ड प्लेजरिज्म जिसको हम वर्बेटम कर रहे थे या पिछले उसमें हम क्लोन कर रहे थे। देन सेल्फ प्लेजरिज्म रीयूजिंग वंस प्रीवियसली पब्लिश्ड और सबमिटेड वर्क विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन। अब ये बाजों का कहा जाता है कि जी हम रिसर्च कोई एक्सटेंड कर रहे थे तो एक्सटेंड करना कितना रिक्वायर्ड होता है, कितना सिग्निफिकेंट होता है, ये फील्ड स्पेसिफिक इशू है। इसको हम जनरली इस तरह परसेंटेज में उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, वो केस टू केस देखा जाता है। बाद अवकात पर्सनैलिटी पे रिसर्च जो होती है उसमें बहुत सी सेम टाइप की चीज़ें जो है रिप्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद मोज़ेक प्लेजरिज्म जिसमें कुछ फ्रेजेस को मिक्सअप करके मेश टाइप की अप्रोच जो पीछे हम देख के आए थे दूसरे में। सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्स्ट मॉडिफिकेशन, आपने देखा होगा गूगल में आप जस्ट लिखेंगे टेक्स्ट ट्विस्टर, ये आपको तरीका नहीं बता रहा, मैं आपको अवेयरनेस के हवाले से शेयर करता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो सेनोनाइमाइजर होते हैं या जो टेक्स्ट ट्विस्टर होते हैं या टेक्स्ट स्पिनर होते हैं, इस तरह के टूल अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके थ्रू जो है वो अपना जो ओरिजिनल टेक्स्ट कहाँ से कहीं से भी कापी किया होता है उसको वो रीयूज करने के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्स्ट मॉडिफिकेशन ये बड़ी पॉपुलर है आजकल के दिन में। कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग के लिए जो फ्री लेंसर टाइप के आथर अवेलेबल हैं जिनको पे भी किया जा सकता है, तो ये ग्रुप्स आपको लिंक्स पे भी मिल जाएंगे। ये तरीका नहीं, अगेन बता रहा, ये अवेयरनेस के हवाले से शेयर कर रहा हूँ कि उनको आप स्टूडेंट्स जो है उनको एक्सेस करके उनसे रब्ता करके ये चीज़ें कर रहे होते हैं। देन इन एडवरेंट प्लेजरिज्म जिसमें फॉरगेटिंग टू प्रॉपरली साइट और कोट सोर्स और अनइंटेंशनल पैराफ्रेजिंग, ये भी मोस्टली जो है फाउंड है, मतलब एक तरह से स्टूडेंट्स या तो वो वाकई भूल जाते हैं अनइंटेंशनली या बाज़ औक़ात वो इंटेंशनली ओरिजिनल सोर्स को नहीं शो करना चाह रहे होते। पैराफ्रेज प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग विद प्रॉपर साइटेशन
अगेन इट इज प्लेजरिज्म अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. तो कंप्यूटर कोड प्लेजरिज्म, हालांकि कंप्यूटर कोड को रिप्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कर रहे होते हैं, और ये हमारे यहाँ जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं मोस्टली वो डिफरेंट आजकल सोर्स साइट्स हैं, वहाँ से वो प्रोसीजर्स फंक्शंस या मेथड्स कॉपी करके अपने सोर्स कोड में डाल रहे होते हैं. तो इसका अगेन जो प्रोविजन प्रोवाइडेड है इसमें उस फील्ड के हैं उनको कंसल्ट किया जाए. सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म प्रोवाइडिंग इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेज, और इस तरह से देना कि उनको फाइंड करना, जैसे कोई कोई टेक्स्ट ऑनलाइन है तो उसको देन मैनुअल टेक्स्ट मॉडिफिकेशन, ये भी जो है विथ इंटेंशन की जाती है, और उसमें ज़्यादातर वो जिस तरह रिलीजियस को सेक्रेट कर दिया इस तरह टेक्स्ट को चेंज करके. देन डेटा प्लेजरिज्म के जो मैनिपुलेशन डेटा की जा रही होती है. तो अब हर एक की सिवियरिटी आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे ये हाईली सिवियर टाइप का ऑफेंस है और लेफ्ट पे इट इज ओरिजिनल वर्क. इन बिटवीन फिर ये डिफरेंट टाइप्स जो भी 12 यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, मेरी ये समीक्षण थी कि हम इसको प्लेजरिज्म पॉलिसी में शामिल कर लें विथ साइटिंग दिस पर्टिकुलर सोर्स फॉर एजुकेशनल या अवेयरनेस पर्पज, कि इस तरह से लोग जो है चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं विथ दीज डेफिनेशंस. ये तो जस्ट ब्रीफ एक डेफिनेशन है, फिर इसका कंप्लीट हैंडबुक भी प्रोवाइडेड है इस इन्हीं 12 टाइप्स का, तो वो एज ए रेफरेंस हम लिंक दे देंगे ताकि वो कोई कंसल्ट करना चाहे फर्दर उसको देखना चाहे तो देख सकता है. तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट था, मैं दोबारा उस पर आ जाता हूँ एक्सेल शीट पे, कि ये पैरा नंबर 3 को हमने डिस्कस किया कि पैरा नंबर 3 के रिस्पांस में मेरी सबमिशन क्या है कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें इंक्लूड करें. देन देखिए हमारी जो प्लेजरिज्म पॉलिसी, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं स्पेशली स्टूडेंट्स टीचर्स रिसर्चर्स या जो स्टाफ लैब में रिसर्च लैब में या जो फील्ड में इन्वॉल्व होता है उनको प्लेजरिज्म की अवेयरनेस भी दी जाए, उनको इससे किस तरह बचना है वो भी अप्राइज किया जाए, और साथ में जो डिफरेंट प्यूनेटिव एक्शंस पॉसिबल हैं वो डिस्क्राइब किए जाए. अब इसमें अक्सर लोग ये कहते हैं जी टीचर्स रेगुलर होने चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट वाले भी इस पे होते हैं, हमारा स्टाफ भी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड होता है उस पे ये अप्लीकेबल है या नहीं है, ये तो सिर्फ रेगुलर के लिए होगी यूनिवर्सिटी के रेगुलर टीचर्स के लिए, बाकी उनके लिए नहीं होगी. विजिटिंग जो कस्टमाइज कोर्स करने स्टूडेंट्स आते हैं उन पे नहीं होगी. तो इन चीज़ों को हमने कोशिश की है कि फर्दर बेहतर तौर पे डिफाइन किया जाए. कोई भी स्टाफ या स्टूडेंट या जो फैकल्टी मेंबर है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आया है या रेगुलर बेस पे आया है, ये एकेडमिक एक तरह से इंटीग्रिटी की पॉलिसी या डिसऑनेस्टी के एक्शंस जो भी करेगा तो उनके लिए ये प्रोसेस ये प्यूनेटिव एक्शंस इक्वली एप्लीकेबल होंगे. अब क्योंकि एप्लीकेबिलिटी की बात बड़ी क्लियर है कि जो इंस्टीट्यूशन एज अ होल यूनिवर्सिटी को अगर हम लें तो यूनिवर्सिटी उसके एफिलेटेड कॉलेजेस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या उसके जो R&D ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे जो है अंडर द पॉलिसी फॉल करते हैं, और रिकमेंड ये किया जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है राइट फ्रॉम राइट वाइस चांसलर टू स्टूडेंट सब स्टेक होल्डर्स को इक्वली रिस्पॉन्सिबल किया जाए जो भी इस मामले में इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट में, जैसे PI भी होता है तो नीचे लैब का स्टाफ या फील्ड में जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है, तो हम सब स्टाफ को इसमें कवर करने की कोशिश कर लें. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये सोच रहे हैं कि HEC का काम है स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस बना के शेयर करना, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने उसको इम्प्लीमेंट करना है. ज़ाहिर है उसके लिए वो अरेंजमेंट जो एक क्लास से लेकर एक पूरे यूनिवर्सिटी में जो अवेयरनेस सेशन दिए जाते हैं उनमें इनको
स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को और सबको बताया जाए, एंड ऑन अ ऑफ रेगुलर इंटरवल के साथ वो इवेंट्स होने चाहिए। देन जो अवेयरनेस के बाद एक तरह से चीज आती है कि इन केस के कोई कंप्लेंट है उसको किस तरह प्रोसेस किया जाए, किस तरह उसको रिपोर्ट किया जाए। तो हमें इश्यूज ये आ रहे थे कि हर कोई, मतलब जर्नलिस्ट हो या कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बाहर बंदा हो, वो सारे जो है कंप्लेनेंट बन सकते थे। ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात बता रहा हूँ। उसमें हमें इश्यूज ये आए कि लीगल जो मामलात हैं कि सपोज कोई कंप्लेंट के अगेंस्ट जो है पेनल्टी अवार्ड होती है, उस पेनल्टी की वजह से कोई अक्यूज उठ के अदालत में जाता है, तो हमें उस वक्त इशू आता है कि जी कंप्लेनेंट को आगे लाएं, उसको दिखाएं, उसका बताएं, उसका बयान हमें, उसको कंसल्ट करें। तो वो बाजों का तो वो कंप्लेनेंट अवेलेबल नहीं होते, हालांकि उनके CNIC डिटेल्स जो प्रोवाइडेड होती हैं। दूसरा ये एस्पेक्ट है कि कभी कंप्लेंट फॉल्स प्रूव होती है या वो प्रूव नहीं होती, तो रिक्वायर्ड तो पॉलिसी के मुताबिक ये है कि उसको, कंप्लेनेंट को एग्जैक्टली उसी तरह की पेनल्टी दी जाए जिस तरह की वो बाकी उनके लिए प्रोपोज कर रहा है या जो कर रहा है। डॉक्टर शुमाइला साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे तवज्जो दी इस तरफ, और बहुत शुक्रिया ये सेशन रखने का और लेटेस्ट पॉलिसी और इन सब चीज़ों से हमें अवेयर करने का। एक सवाल मेरा एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड था, तो सर अगर इस पे आप थोड़ा सी गाइडलाइंस दें, हो सकता है कुछ चीज़ें मेरी समझ में या इंस्टीट्यूशन लेवल पर नहीं आ रही हो। सो व्हेन वी वर्क विद स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सुपरवाइजर इसी तरीके से अटर्निज से एक प्लेजरिज्म सिमिलैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। हम स्टूडेंट्स का काम जो है उसे ऑफ कोर्स प्लेजरिज्म रिपोर्ट की बुनियाद पे इवेलुएट करके, तो हम अपने रेलेवेंट R&D या क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल को भेजते हैं यूनिवर्सिटीज में कि वो वेरीफाई करें इसको कि जो प्लेजरिज्म रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई है और जो काम है ये अप टू द मार्क है, और फिर स्टूडेंट जाते हैं फॉर द वाइवा। अच्छा, अब मेरे एक्सपीरियंस में क्या हुआ है कि, और बल्कि बहुत सारे और फैकल्टी मेंबर्स का भी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन, जब वो QEC के पास जाता है तो समटाइम्स QEC ने जैसे डिसिप्लिन स्पेसिफिक एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है। अब वो कहते हैं जी 19% होना चाहिए सोशल साइंसेस के लिए या एजुकेशन के लिए। तो जब सुपरवाइजर ने काम देखा और उसके पास प्लेजरिज्म रिपोर्ट और उसकी जो सेटिंग्स हैं दे आर द सेम एज दे आर प्रोवाइडेड बाय HEC, तो हमें ये कहा जाता है कि समटाइम्स रिपोर्ट्स दे 3, 4, 5 times स्टूडेंट्स की दे कम बैक, उसमें कोई डिटेल नहीं होती। दे ओनली से जी आपका ये थ्रेशोल्ड 19% से 17% पे है, तो 2% का फर्क है जी, आपका ये काम आगे नहीं जाएगा। जबकि जितनी भी पॉलिसी की डिटेल मैंने पढ़ी है और आपके एक्सप्लेनेशन से जो मुझे एनलाइटनमेंट मिली है उससे यही समझ में आता है कि कुछ डिसीजंस जो होते हैं वो बड़े ग्रे एरियाज के अंदर होते हैं। तो अगर सुपरवाइजर उन चीज़ों को ऑथेंटिकेट कर रहा है, उसने पढ़ा हुआ है, वो कहते हैं कि ओरिजिनल काम है, साइटेशंस प्रॉपर हैं और तरीके से काम को जो है वो किया गया है, तो फिर ये जो 1 से 2% के बुनियाद पे स्टूडेंट्स का को अननेसेसरीली डिले किया जाता है, समटाइम्स साल साल 1.5 साल जो है ये पिंग पोंग बॉल की तरह से QEC से वापस आते रहते हैं विदाउट एनी डिटेल्स। कोई इसमें गाइडलाइंस नहीं दी होती, वो सिंपली कहते हैं जी हमारे पास आपने अगर अपनी तरफ से रिपोर्ट 5% सिमिलैरिटी वाली भेजी है तो उनके तरफ से हमें आ जाता, नहीं जी ये तो 24% है। तो कुड यू प्लीज गाइड मी, या कुड यू प्लीज इंक्लूड समथिंग इन दिस पॉलिसी, द वे वी वर्क विद प्लेजरिज्म पॉलिसी प्रैक्टिकली, जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट द वे वी रीड इन द डॉक्यूमेंट्स एंड द वे वी थिंक इट शुड बी यू नो प्रोसेस्ड इन द इंस्टीट्यूशंस। तो पार्डन मी, अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ हो तो प्लीज मुझे बताएं उसके लिए, लेकिन मैं इस पर वाकई ही बहुत कंसर्न हूँ, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। थैंक यू। करंटली अपने माइक अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही।
Hello. Hello, assalamu alaikum. आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम. जी बिल्कुल आ रही है. आपको मेरी आवाज पहुंची? जिसको कहते हैं ना, आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है. मैं ये सबमिट कर रहा था, शायद माइक मेरा म्यूट था. तो ये एकेडमिक मैटर है. इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को डील करने का एक सेपरेट मैकेनिज्म होता है. एकेडमिक मैटर के लिए आप जिस तरह बात कर रहे थे कि वो एक्सपर्ट या सुपरवाइजर जो उस फील्ड को जानता है, उस टॉपिक को जानता है, उसमें क्या रिक्वायर्ड था, कितना जस्टिफिकेशन रिप्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस टेक्स्ट रिक्वायर्ड थी लिटरेचर रिव्यू के फॉर्म में, दे आर द ओनर और दे शुड बी इन लीडिंग पोजिशन टू डिसाइड कि ये चीज ओरिजिनल है, जेन्युइन है या अकॉर्डिंग टू रिसर्च एथिक्स. जो उस पर्टिकुलर फील्ड की हमारी जनरल गाइडलाइंस जो हैं वो कि इस बुनियाद पे हैं कि 20% इज बेसिकली जस्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर वो डिफेंड कर रहा होता है स्कॉलर, और 80% इज एडिशन टू द नॉलेज. अब इसको इंटरप्रेट सिर्फ परसेंटेज पे बैठ के करना कि इतना होगा तो ठीक है इतना, हमने तो 14% वाले डॉक्यूमेंट भी प्लेजराइज देखे हैं और 45% वाले भी ओके होते देखे. इट वेरीज सब्जेक्टिव. और इसी वजह से अगर आप टर्निटन की डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे तो वो सारा ओनस सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे या जो रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर है उस पर छोड़ रहे होते हैं. टेक्स्ट मैचिंग टूल को हम प्लेजरिज्म रिपोर्ट नहीं कह सकते, वो सिमिलरिटी रिपोर्ट होती है. उसमें जो एक्सपर्ट होता है देख के स्टूडेंट्स को गाइड करता है, और ये एक्सरसाइज वन टाइम की जाती है, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स. स्टूडेंट्स को बार बार इस तरह अनलिमिटेड नहीं छोड़ना होता कि आप उसको ठीक ही करने के लिए ये फिक्सिंग टूल के तौर पर यूज करें. वेरी ट्रू. फिर वो जो आप अभी मेंशन कर रहे थे, फिर वो जाते हैं वो सॉफ्टवेयर सिनोनिमाइजर्स की तरफ. वो कहते हैं कि हाय हाय ये थ्रेशोल्ड जो है ना, ये 15% आएगा तो मेरा थीसिस सबमिट होगा. इट्स सच अ रॉन्ग प्रैक्टिस. जी बिल्कुल. और इस प्रैक्टिस को जितना ये टूल किस ऑब्जेक्टिव के तहत दिया गया था वो सिंपल ये था कि जिस वक्त हमने एथेंटिकेट 2007 में लिया था और 2008 हमने उसको यूज करके देखा तो हो जी रहा था कि 10 यूनिवर्सिटीज जिनको हमने एक्सेस दी थी वहां पर अगेन इसी तरह की अप्रोच चल रही थी कि एक मेरे जैसा कोई क्लर्क बैठ जाता है और डॉक्यूमेंट्स चेक करना शुरू कर देता है, और जिसकी रिपोर्ट ज्यादा होती है उसको वो सारे मतलब यूनिवर्सिटी में भी बदनाम कर देते हैं विदाउट लुकिंग एट द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट के वेदर वो है या नहीं है. तो उस वक्त ये फील हुआ कि बेहतर है कि हर टीचर हर स्टूडेंट के पास ये एक्सेस जाए ताकि वो चीज़ों को इम्प्रूव करें. और ये इस तरह नहीं था कि बार बार आप चेक करके उसको फिक्स करें, इस तरह से था कि स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा, उनको एक कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट दिया जाएगा जहाँ पर वो एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू भी करेंगे, और जिसमें एक जिसको शैलो नॉलेज से हम आगे जाके एक तरह से डीपर लुक इश्यूज पे उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे देख सकेंगे. तो ये मेरे सर है कि आगे भी यूनिवर्सिटीज को जरा ओनरशिप लेनी चाहिए और इस पर्टिकुलर टास्क को एकेडमिक टास्क सर को, अगर आप जी काइंडली सर अगर आप पॉलिसी में ये चीज मेंशन कर दें, बिकॉज हमारे क्यूईसी डिपार्टमेंट्स दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्रोबेबली परहैप्स दे डोंट हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज. और पॉलिसी में अगर काइंडली आप मेंशन कर दें ये पिंग पोंग बॉल और बच्चों मेरे डेढ़ दो दो साल बच्चों के स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए डिले हो रहे हैं, छः छः महीने की डिलेज पड़ रही हैं कि क्यूईसी से जवाब क्या आता है. वो आपके प्लेजरिज्म की प्लेजरिज्म वो लिखते प्लेजरिज्म है हालांकि ये तो सिमिलैरिटी इंडेक्स है. तो वो जी 17% है, 44% है और उसके बाद साइलेंट. आई मीन देर इज नो पर्टिकुलर थिंग रिटन इन द प्रोसेस ऑफ द पॉलिसी कि अगर क्यूईसी से कोई डॉक्यूमेंट ऐसे रिटर्न आता है वो वेरीफाई करते हैं और वो कहते हैं जी ये सुपरवाइजर की रिपोर्ट के साथ मैच कर रही है या मिस मैच कर रही है, तो दिस शुड गिव अ चांस टू द सुपरवाइजर कि वो उसको एक्सप्लेन करें, और अगर वो उसको ओके करता है तो क्यूईसी के साथ बैठ के एक मीटिंग करें और उस डॉक्यूमेंट को स्टूडेंट के काम को दोबारा से रीइवैल्यूएट करें, लॉजिकली रैशनली उसको डिस्कस करें, एंड इफ थिंग्स आर ओके लेट देम गो. डॉक्टर साहब आपका पॉइंट वेल टेकन. मैं इंशाल्लाह इस चीज को जो है ना उसको करूंगा.
जहाँ तक क्यूईसी की बात है, इस चीज़ को भी फिर हम थोड़ा माजरत के साथ कहूँगा, कुछ यूनिवर्सिटी में कोई मेरे जैसे सुपरवाइजर भी होते हैं जो जस्ट वो ऐसा स्टूडेंट के साथ फैसिलिटेट करते हुए, की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि इंस्टीट्यूशनल जो भी एकेडमिक तरह का वर्क होता है उसकी ओनरशिप लेती है तो वो अच्छी चीज है, हम उसको नहीं कर रहे। सिर्फ पॉइंट ये है कि वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करें सुपरवाइजर के साथ, उसको स्ट्रेट अवे प्लेजरिज्म कह के रिजेक्ट ना करें। तो इंशाल्लाह वो मैं उस पर कोशिश करूंगा कि रिफ्लेक्ट करूँ। PFID से जी, PFID से दोस्त कोई बात करना चाह रहे थे। तो सुपरवाइजर के लेटर के साथ उसको हम अलाउ कर सकते हैं अगर कोई थोड़ा सा परसेंटेज में प्रॉब्लम आता है। दूसरा मोबिलिटी वाले से जो पॉलिसी में है, जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेंट करेगा इंस्पेक्टर यूनिवर्सिटी को रिगार्डिंग, तो डायरेक्टली को एचएससी को ना करे कंप्लेंट। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट तो एचएससी को डायरेक्टली जा रही है तो उसको एचएससी इंस्टीट्यूशन को भेजने की बजाय कंप्लेनेंट को गाइड करें कि वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को जाके वो सबमिट करवाए अपनी कंप्लेन। इस तरह से डुप्लीकेशन से भी बचा जा सकता है। इन चीज इसको अगर आप जरा इसमें इंकॉर्पोरेट कर लें पॉलिसी में जो नहीं प्रपोज पॉलिसी आती है, तो अभी इसी पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट जो है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें भी जो एचएससी की कंसर्न रियल आपने लिखा है वो कंसर्न रियल उसमें तय ना करें, यूनिवर्सिटी इनिशिएट करे उसको, जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है जहाँ का केस है, जहाँ कंप्लेनर ने कंप्लेंट फाइल की है वो यूनिवर्सिटी उसको इनिशिएट करे। एचएससी को इन्फॉर्म किया जा सकता है थ्रू लेटर, वो कंप्लेंट कर सकता है, वो यूनिवर्सिटी कर सकती है। एक बार सजेशन डिपार्टमेंट जब चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास कंप्लेंट आती है तो वो डायरेक्ट डिवीजन को ये टास्क देंगे। तो हमारे यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन ये काम कर रही है, तो जाहिर है उस कंसर्न डिवीजन को वो फॉरवर्ड होगा, फिर आगे वो यूनिवर्सिटी को ही फॉरवर्ड करेंगे। ये जो आपने इशू रेज किया कि जो HEC का जो रोल है, इससे हमारे जो एडवाइजर साहब अवेश साहब उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि हमें यूनिवर्सिटी के जो ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोशिश हम करें कि उनके जो एक्सपेक्टेड रोल है वो हम मेंशन कर दें, ताकि ये जो कंफ्यूजन रहता है कि ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, कितना जो है लीगली हमारे पास ये चीज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के पास। तो इसको कोशिश करेंगे फर्दर हम बेहतर कर सकें, और इसी तरह गाइडलाइंस जिस तरह आप दोस्त दे रहे हैं या आप लोगों की थैंक यू मेहरबानी है कि आप शेयर करते हैं। आफाक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वैल्यूएबल सेशन फॉर ऑल ऑफ एकेडेमिया सर। डॉक्टर फाक अहमद नाम है सर मेरा, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूरो टेक्सलाक में। सर बात हो रही थी, दो बातें डिस्कशन हुई, एक तो जो अपना ही थीसिस का वर्क है उसको जो पब्लिश कर रहे होते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर आपने काफ़ी अच्छी डिबेट की। सर अनदर इशू जो हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं कि जब हम फॉर स्पेशली फॉर द PhD कैंडिडेट्स कि जब हम उनकी टेंटेटिव रिपोर्ट्स को साथ अटैच करते हैं फॉर द फॉरन इवेल्यूएशन, तो हमें एडवांस स्टडी से कहा जाता है कि अच्छा चुनाचा आपके पास ये एक सिमिलरिटी लिस्ट है और इसमें आपने इन लोगों को साइड किया है, सो द टॉप 5 जो ऑफर्स हैं जिनको आपने साइड किया जिनकी ज़्यादा परसेंटेज है, सो आप उनको जो है अपने काम को फॉरन एवेल्यूएशन के तौर पे भेजा जाए। सर इसके हवाले से पूछना चाहता है कि क्या ये HEC की कोई ऐसी गाइडलाइंस हैं या ये सिर्फ हमारे टेक्सला वालों ने कोई चीज़ को अंडरस्टैंडिंग किया हुआ है,
बिकॉज ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है. आप एक डोमेन पे काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कंक्रीट में काम कर रहा हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और मोर देन मेरी साइटेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों की है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के हवाले से है, जेनेटिक के हवाले से है, स्ट्रक्चरल हेल्थ नेटिंग के हवाले से, ड्रोन के हवाले से. अब अगर मैं उन लोगों को अपने बच्चे का थीसिस भेजता हूँ पीएचडी स्कॉलर का, तो दे डोंट हैव एनी बेसिक्स अबाउट द कंक्रीट पैटर्न्स क्या है. मैंने ड्रोन तो यूज़ किया है यूएवी, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं वो उससे बिल्कुल फार अवे हैं एज कम्पेयर टू वो बंदा स्ट्रक्चर का प्रोफेसर हो फॉरन, जिसको कंक्रीट के आइडिया हो, क्रैक मैकेनिज्म का आइडिया हो उसके बारे में. सर काइंडली अगर इसके ऊपर कोई आप अपनी राय दे सकें. थैंक यू. सर योर माइक इज म्यूट मुनीर साहब. सर मुनीर साहब आपका माइक म्यूट है. अच्छा अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये यूनिवर्सिटी का इंटरनल एक सब्जेक्टिव मैटर है, जिसमें एक्सपर्ट्स की जो सिलेक्शन की बात है ना, वो सुपरवाइजर रिकमेंड, जो मुझे प्रोसेस पता है कि सुपरवाइजर जो 6-7 नाम जो भी दे रहा होता है, उनमें से अथॉरिटी की मर्जी है कि वो 2 सिलेक्ट कर ले या 3 सिलेक्ट कर ले, बट अगेन वो नाम प्रपोज तो सुपरवाइजर कर रहा होता है. मुझे नहीं पता बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या प्रैक्टिस है, तो मेरा ख्याल है आप जो पार्टनर इस तरह की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है उनकी जो प्रैक्टिस है वो जरा देख लें या दोस्तों से पूछ लें. HEC का इस तरह से कोई क्लियर कट मुझे जहन में नहीं आता कि गाइडलाइंस है कि हु विल बी द रिव्यूअर. हमारा सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है एम्पल PhD पॉलिसी में कि जो वो एक्सटर्नल रिव्यूअर डेवलप्ड कंट्रीज से होते हैं, और वो कंट्रीज की लिस्ट भी शायद प्रोवाइडेड थी. अब नई पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है वो मेरी नॉलेज में नहीं है. जी, तो मैं दोबारा पॉलिसी के उस पे आता हूँ कि जो रिपोर्टिंग साइड पे हमें सबसे ज्यादा इशू ये आ रहा था कि जो कंप्लेनेंट होता है वो कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है एज पर करंट पॉलिसी. सिर्फ रिक्वायर्ड ये है कि कंप्लेनेंट हमें ओरिजिनल और जो प्लेजराइज या सस्पेक्टेड प्लेजराइज डॉक्यूमेंट है दोनों वो शेयर कर ले, और साथ में अपना CNIC और जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो शेयर कर रहा होता है. हो ये रहा है कि बाज़ों का हमें कंप्लेंट तो ईमेल के थ्रू आ जाती हैं, और जब कंप्लेंट वो प्रूव नहीं होती तो जो अक्यूज्ड है उसको पेनल्टी तो देनी होती है, तो फिर वो उसका कोई अता पता मिलता नहीं है. तो ये फैक्टर जहन में रखते हुए और दूसरे भी जो लीगल मामला आगे चल के कम्प्लिकेशंस होते हैं जो कोर्ट में इन चीज़ें चली जाती हैं, तो हम मतलब प्रपोज ये कर रहे हैं कि जो कंप्लेंट हो वो भी किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या उसके एफिलेटेड कॉलेज या जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज या जो R&D ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ एफिलेटेड है उसके अगेंस्ट, मतलब उसमें जो इन्वॉल्व है टीचिंग में या जो रिसर्च में या जो स्टाफ इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हो तो फिर उसको टेकअप किया जाए. दूसरी ये बात कि कंप्लेनेंट जो है वो या तो अग्रीव्ड पार्टी हो या ऐसा हो जो डायरेक्टली उससे अफेक्ट हुआ हो, या फैकल्टी मेंबर हो या कोई स्टाफ मेंबर हो, और वो अपना जो है जिस कंप्लेंट को वो लॉज कर रहा है उसको क्लियरली उसको एक्सपर्ट्स के सामने एक्सप्लेन कर सके, जस्टिफाई कर सके. क्योंकि आगे चल के ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि एक्सपर्ट कहते हैं जी कंप्लेनेंट तो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता इट मीन्स. और ऐसा भी हुआ है कि कंप्लेनेंट जो है एडमिट आके करते हैं कि जी मुझे तो फिलहाल नहीं कहा था तभी मैंने लॉज की थी ये कंप्लेंट. तो इसलिए हम थोड़ा इसको अगर सब लोग एग्री करते हैं तो हम फर्दर स्पेसिफिक करते हैं कि यूनिवर्सिटीज और उसके जो एफिलेटेड इदारे हैं उनके एम्प्लाइज या टीचर्स या रिसर्चर्स या स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट की जा सकती है, और जो कंप्लेनेंट हो वो भी वहीं से या जिसका रिसर्च कॉपी किया गया है, मतलब जिसको ये शक हो सस्पेक्ट हो कि मेरा काम जो है वो कॉपी हुआ है और वो भी किसी इदारे ऐसे से हो जो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हो, तो इस पे आपकी मुझे फीडबैक चाहिए कि क्या इस तरह बेहतर रहेगा या इसको हम उसी तरह ओपन छोड़ देंगे. कोई भी जर्नलिस्ट जैसे उठा के शुरू हो जाता है अखबार में पब्लिश कर देता है फिर हमारे लिए वो बाइंडिंग बन जाती है, फिर हमें कंप्लेनेंट मिलता नहीं है.
मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है जी। डॉक्टर शुमाइला अगेन, जी डॉक्टर शुमाइला। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, और समटाइम्स हमें इस चीज़ को रिड्यूस करना चाहिए कि अनकंसर्न लोग भी दे डोंट नो द फील्ड और वो उस पर कॉमेंट करते हैं। इससे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। इनफैक्ट इट्स बेटर कि अगर यूनिवर्सिटी के लोग ही कंप्लेन करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी मसला हो सकता है डॉक्टर साहब कि अगर हम इसको ओपन नहीं रखते तो समटाइम्स, मिसाल के तौर पर अगर आपका काम है और मैंने प्लेजराइज कर लिया है और मैंने इसको आगे अपने स्टूडेंट के थ्रू भेज दिया है कहीं पर, और जब कमेटीज में वगैरह में जाती हैं और अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं और किसी ने उस चीज़ को देखा है, उसको विटनेस किया है और उनको मालूम था कि आपका काम था और मैंने प्लेजराइज किया है, तो वो यूनिवर्सिटी में कंप्लेन जो है वो लॉन्च करते हैं तो इस तरीके से। तो अगर तो वो अगर फैकल्टी मेंबर्स हैं तो फिर तो एक तरीके से भला हो सकता है इसमें, अच्छी बात है। हम इसको लिमिट कर दें, बहुत ज़्यादा ओपन ना करें कि पीपल हु हैव नो आइडिया, और वो समटाइम्स जस्ट मिसचीवियस अपनी मिसचीफ शो करने के लिए भी इस किस्म की कंप्लेंट्स ऐसे ही करते रहते हैं। हमारी आवाम भी इस तरीके से एजुकेटेड नहीं है। तो लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपका काम था और मैंने प्लेजराइज किया और किसी दूसरे फैकल्टी मेंबर ने देखा कि ये सिमिलर टू माय योर वर्क है और वो उस काम को रोक देते हैं, तो आपके ख्याल में इसको लिमिटेड करने से फिर थोड़ा सा स्कोप हमारे पास कम नहीं हो जाएगा टू विटनेस, या लोगों की ये जो वॉलंटरीली अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं इस किस्म के काम में? एक तो ये मेरी राय है, और दूसरी राय मेरी आपसे इस पर ये है कि जो हम कंप्लेंट का सिस्टम है वो आपने बहुत अच्छी बात की है कि रिसर्चर्स और एकेडेमिशियंस अपने ही इंस्टीट्यूशन में वो कंप्लेंट सबसे पहले जो है वो उसको फाइल करें, और उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो वहीं पर होनी चाहिए, और उसके बाद वो क्यूईसी के मतलब ज्यादा बिग प्लेटफॉर्म्स पे जानी चाहिए। अगर वो वहां पर अनरिजॉल्व्ड रहती है और कंप्लेनेंट जो है वो अनसेटिस्फाइड फील करता है विद द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो ये मेरी इस पे दो ओपिनियंस थी, और इस पे आपका इनपुट ऑफ कोर्स ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। जी, ये पीआईएफ आईडी से भी कंप्लेंट आई थी, सॉरी सजेशन आई थी कि वो यूनिवर्सिटी का रोल जो है इसमें लीडिंग होना चाहिए, फर्स्ट यूनिवर्सिटी में वो कंप्लेंट की जाए, उसके बाद कोई टाइम फ्रेम हो के अगर यूनिवर्सिटी विद इन मंथ कोई उस पर एक्शन नहीं लेती तो फिर वो फर्दर रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज या एचईसी को शेयर की जाए। तो इस पे भी अगेन हम कोशिश करेंगे कि फर्दर इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो वर्ल्ड गुड प्रैक्टिसेस है उनको देखा जाए, उसके बाद डिसाइड किया जाए। जुनेद साहब, आप कुछ कह रहे हैं सर? डॉक्टर साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जुनेद हूँ नमल इंस्टीट्यूट से। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर बिल्कुल आवाज़ आ रही है। राइट, तो आई थिंक एक चीज़ इसी कॉन्टेक्स्ट में आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि पाकिस्तान अनलाइक अदर फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस, यहाँ पे जो पावर डायनामिक्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट हैं। तो समबडी डाउन द रैंक अगर वो पॉइंट आउट करता है किसी सीनियर का प्लेजरिज्म, और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, द फैक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेजरिज्म, और टर्न इट इन के अपने पेजेस पे भी है, स्टूडेंट प्लेजरिज्म अगर हो रही है और इतनी रैम्पेंट हो रही है, तो इट्स वन ऑफ द साइंस इज के वो फैकल्टी को देख के, मतलब फैकल्टी की रिफ्लेक्शन होते हैं इन सो मैनी वेज हमारे स्टूडेंट्स, राइट? तो फैकल्टी में भी प्लेजरिज्म हो रही है इन सो मैनी वेज, और वो स्टूडेंट्स को पता चल जाता है। आप जो क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं क्विजेज के, एग्जाम्स के, वो मतलब इतने ब्लाइंडली शेमलेसली प्लेजराइज होते हैं। जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो आप लोग प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं जाके स्लाइड्स शो रन करते हैं, तो विदाउट एनी रिमोर्स और इवन अ सेकंड थॉट कि ये मैं खुद प्लेजराइज, जिस चीज़ पे स्टूडेंट्स को पकड़ा जाता है उस पे अगर हम फैकल्टी को पकड़ना शुरू करें तो पता नहीं कौन है जो बचेगा, राइट? तो माहौल ये है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट पावर डायनामिक्स जो कि नहीं होने चाहिए तालीमी इदारों में वो हैं अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग। तो अगर कोई लेक्चरर
किसी फुल प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर का प्लेजराइज्ड काम जिस पे वो कॉन्ग्रेचुलेशंस के सिलसिले बटोर चुके होते हैं कि जनाब हमने इतनी पब्लिकेशनें की हैं, वो हाईलाइट करता है, तो आपके ख्याल में उसका क्या फ्यूचर है उस लेक्चरर का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, राइट? तो ये दिस इज़ द रियलिटी वी आर लिविंग इन. तो जिसके केस में आई एग्री कि ज़्यादातर जो इस तरह के केसेस है वो यूनिवर्सिटी का इंटरनल मामला है. यूनिवर्सिटी में नॉट जस्ट QEC, एकेडमिक इंटेग्रिटी के कमिटीज़ होनी चाहिए और उनके अराउंड ये वाले काम होने चाहिए. QEC का बिजनेस नहीं है कि वो प्लेजरिज्म के केसेस को भी संभाले, उनके और काम है. लेकिन क्योंकि पावर डायनेमिक्स ऐसे हैं तो देर नीड्स टू बी HEC इज़ दैट फोरम जहाँ पे जो ये पावर डायनेमिक्स में एक सिलसिले नहीं काम करेंगे इनसाइड द यूनिवर्सिटी, उनको HEC ने डील करना है. वो इंटरनल यूनिवर्सिटी पे छोड़ेंगे तो उस लेक्चरर या लोअर डाउन द रैंक वाले बंदे का बुरा हाल होगा, आपको पता है इस बात का. तो लेकिन वो फिर विसल ब्लोइंग के मैकेनिज्म्स क्या होंगे वो ऑफ कोर्स सीरियसली उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट होना चाहिए. लेकिन अगर आप वो कोई चीज़ गारंटी नहीं करेंगे तो पीपल विल नॉट रीच आउट टू यू. अगर आप उनके नाम और हर चीज़ मतलब विसल ब्लोइंग कम्प्लीटली एक पूरा पैराडाइम है, वी कैन स्टडी दैट ऑफ कोर्स इफ रिक्वायर्ड. थैंक यू. अच्छा बड़ा आपने अच्छा ये विसल ब्लोअर वाला जो है इसको मैंने कहा गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी है, मैं उसको भी एक्सप्लोर करता हूँ. और हकीकत यह है कि जब जूनियर करता है इस तरह तो हमने वाकई देखा है उसका फ्यूचर जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाता है, उसको और शिफ्ट करना पड़ता है अल्दो के वो सही उस पर होता है. यही तो वजह है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारी जो उस तरह की एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं इवन आफ्टर 14 ईयर्स हम प्लेजरिज्म पे दोबारा बात कर रहे हैं और टर्निटन ले रहे हैं. टर्निटन इस वजह से ले रहे हैं कि हम चोरी करते हैं, एकेडमिक थेफ्ट के हम मुर्तकब होते हैं. वरना दुनिया में ऑक्सफर्ड में या जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में हैं वहाँ पर ये टूल इतना मैंडेटरी नहीं होता. हमारे यहाँ मैंडेटरी इसी वजह से हुए. तो वो बिल्कुल आपकी बात बहुत जिसको कहते हैं ये दुखती रख पे आपने हाथ रखा है. तो पावर डायनामिक्स इसी की जो डोमेन में चीज़ें हैं वो अगर पूरी हो जाए तो फिर भी अच्छा है. तो चला कोशिश करते हैं अगेन इसको बेहतर करने के हवाले से. तो ये आपकी सजेशन नोट की है. PIID उसके बाद आफाक साहब. सर इसी पॉइंट को डॉक्टर जुनेद के पॉइंट को मैं आगे थोड़ा सा लेके जाना चाह रहा था. जो हमारा पॉइंट नंबर 8A है जहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी टू अवेलुएट टू इन्वेस्टिगेट द होल प्रोसेस. सर काइंडली रिक्वेस्ट है इसमें आप PI को PI सीनियर प्रोफेसर चेयरमैन डीन तक तो जो बिल्कुल अम्ब्रेला है उसको आप जरूर इंक्लूड करें. लेकिन जो पावर डायनामिक्स की भी बात की है जुनेद साहब ने सर, इससे ऊपर जो भी चीज़ है सर वो बहुत हॉरिबल हो जाती है फॉर द होल रिसर्च ग्रुप. वो एक कैसे कि सर इससे ऊपर जो है ना नहीं जानी चाहिए. अगर कोई कंप्लेन आई है तो यही अम्ब्रेला अप टू डीन ऑफ द फैकल्टी तक वो डिस्कस करें, जो भी अपनी नोटिफिकेशन दें सजेशन दें या जो भी चीज़ें. लेकिन इससे ऊपर स्टार या एडमिन या एस्टेब्लिशमेंट या QEC को इन्वॉल्व करते हैं तो सर चीज़ें बहुत हॉरिबल हो जाती हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सर. जी आफाक साहब. जी सर मैंने अभी क्लेम किया सर. अच्छा आपने किया. मैं सोच रहा था शायद PIID से. मैंने दोबारा से हाथ खड़ा किया था. आई थिंक जी डॉक्टर आफाक ने और डॉक्टर जुनेद ने जो रेज किए हैं इश्यूज आई थिंक दे आर वेरी रियल, बहुत रियल हैं. लेकिन डॉक्टर आफाक की बात से मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगी. जैसे जुनेद साहब ने पॉइंट आउट किया था इट ऑलवेज हैपन कि जो हमारे पास जब यूनिवर्सिटीज में कमेटीज बनती हैं तो अगर प्रोफेसर डीन और ये सब हों साथ में तो वो फिर मामला वहीं पे रफा दफा करने की कोशिश की जाती है. और समटाइम्स वो स्टूडेंट को या विसल ब्लोअर को नुकसान ही होता है. तो आई थिंक ठीक है माइनर प्रॉब्लम्स के लिए इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए. लेकिन एक थोड़ा सा ऑथेंटिक उसके ऊपर जो अपर हैंड है ऑब्जर्वर का या सुपरवाइजर का उस चीज़ को देखने के लिए कि वो एक अच्छे ऑनेस्ट वे में
ongoing उसकी proceeding हुई है, तो उसमें अगर आपकी तरफ से कोई representative हो, चाहे वो online बैठ जाएं उस सारी system को, सारी चीज को conduct करने के लिए, देखने के लिए, feedback के लिए कि things were fairly done, तो ये मेरे ख्याल में एक doable चीज हो सकती है, जिसमें फिर ये कि हमारी internal जो university की और हमारी internal जो power की power politics हैं, हम उनको थोड़ा सा avoid कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि culture change हो. Because that is really important. हम जितने भी lens इसके ऊपर लगा दें, जब तक हम internally culture change नहीं करेंगे, of course हमें बार-बार सर खपाना पड़ेगा इन चीजों के अंदर और हासिल और मकसूद कुछ नहीं होगा. अच्छा, आपने again internal जो committees की manipulation होती है power, again वो डॉक्टर कुंदर बड़ा specific term use किया था. तो एग्जैक्टली ये चीज अभी भी हो रही है, और माजरत के साथ एकेडमिक मैटर को वो कमेटी मेंबर्स जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, कि जी हम चार जो है वोट इसके अगेंस्ट देते हैं, दो जो है वो बेशक सच पे हो वो उसके हक में देते हैं, तो क्योंकि वोट ज्यादा उसके हो गए, प्लेजरिज्म नहीं है, वोटिंग की बेस पे भी माजरत के साथ डिसाइड होते हुए हमने देखा है. तो अगेन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है कि कितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए एचसीसी की या किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी की. काफ़ी इदारे जो हैं 2002 के बाद प्राइवेट सेक्टर में, आप नाम नहीं लेता, अच्छे काम, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आती. क्या वो इसी सोसाइटी या इसी उसमें नहीं उठते बैठते? वो आप वाली बात डॉक्टर शमैला के, ये बेसिकली तो इंटरनल कमिटमेंट की और जो ऑनेस्टी की बात है. और डॉक्टर जुनेद ने जिस तरह कहा कि हम MCQs, assignments, PPTs वो डाउनलोड कर लेते हैं कंपेनियन वेबसाइट से और एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स को मैसेज जाता है कि वो भी इसी तरह पेस्ट करके वो काम चला रहे होते हैं. तो अब ये अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा तो ओनरशिप के, ग्रेजुएट जो प्रोड्यूस होता है वो यूनिवर्सिटी की ओनरशिप होती है, यूनिवर्सिटी को ज़्यादा इसमें, और फिर यूनिवर्सिटी में स्टेक होल्डर्स फैकल्टी है क्योंकि इंटरेक्ट सुबह शाम वो करता है स्टूडेंट के साथ, वो उनमें जो अच्छी आदतें हैं साइट करने वाली, हाउ टू साइट, हाउ टू राइट वाला मैकेनिज्म. तो स्टैंडर्ड एचईसी पहले भी बना के बहुत आइडियल दे चुका है, तो वर्ल्ड गुड प्रैक्टिसेस की बेस पे अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर कर सकें. बट अगेन इम्प्लीमेंटेशन यूनिवर्सिटी की साइड पे के साथ, और ये सोच के कि अब 21st century में कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, आज या कल में वो डिस्क्लोज होनी है, जाहिर हो जाएगी, तो फिर हमारे लिए जगह सही होगी. तो काइंडली हम अपना अपना रोल जो है उसको प्रॉपरली प्ले करें, और साथ में ये जो यूनिवर्सिटीज में सियासत है इंटरनल, उसको जितना हो सके अवॉइड करके कोई कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बनाया जाए. तो ये एक वो जेनरिक चीज़ है, कमेंट है. EFID के दोस्त कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रोफेसर, जैसे कि रिलेटेड द मैटर ऑफ एथिक्स, तो ये बात मैंने डॉक्टर साहब से की कि ये विद्यालय यूनिवर्सिटी जूनियर है, अगर उनके बाद में कंप्लेंट प्लेटिज्म की आती है तो बाइस हो सकती है, इंसान है इंसान की बाइस हो सकती है, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो हम यूनिवर्सिटी कमेटीज बनाती हैं, जैसे टेलीविजन स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें प्री प्रोफेसर अपॉइंटेड है जिसकी तरफ से सीनियर प्रोफेसर, उसमें एक नॉमिनी है फ्रॉम एचसी, फिर एक एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट का, तो इसमें जो प्रोफेसर हैं वो भी अगर आउट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में कोई एक्सपायर हुआ है उससे फारिग के प्रोफेसर ले लेंगे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, उनकी रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, और एक्सपर्ट तो ज़ाहिर है वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ही होगा उस सब्जेक्ट का, एच सी का एक नुमाइंदा उसमें बैठा है, तो हाफ इस कमेटी के मेम्बर्स हैं वो ऐसे होंगे नहीं तो बाईस पर्सनल बाईस होंगे उस के साथ जूनियर के साथ. और दूसरा कंप्लेनेंट के वाले से जो आपने बात स्टार्ट की थी कि जो कंप्लेनेंट है वो एकेडमिक बैकग्राउंड से हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, आउटसाइडर जैसे आपने जर्नलिस्ट का नाम लिया, उनके लिए जैसे आप जो एक्यूज होते हैं उनका नाम आ जाता है जर्नलिस्ट को, वेबसाइट पे वो एचसीसी प्रसूव करती है,
वो रात को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक तो मेरा ये है कि ये रिटायरमेंट बताने की बात मेरा माइक म्यूट है जी डॉक्टर साहब, मैं काफी देर बोलता रहा मगर माइक म्यूट था मेरा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो रोल है हर स्टेक होल्डर का, उसको हम कोशिश करेंगे कि इसमें अच्छी तरह डिफाइन कर दें, और दुनिया में इस तरह अगर कहीं पर है तो उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। इसमें ओनरशिप यूनिवर्सिटीज़ को लेनी होगी, और ये जो डिस्प्ले करने की बात है कंप्लेनेंट्स को या जो ब्लैक लिस्टेड जो भी फैकल्टी मेंबर बनते हैं, वो बेहतर है यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी उनकी होती है, तो वो वहाँ ओनरशिप दी जाए उसको। तो अगेन हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह आपने शेयर किया कि इस वक्त जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी है, प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहता है कहते होते हैं हम, उस प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी में 3 सीनियर प्रोफेसर होते हैं और एक HCC नामिनी होता है, और एक्सपर्ट्स जो है ना को ऑप्ट किए जा सकते हैं एज एंड वेन रिक्वायर्ड। तो ये पैरा नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन का वो पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, और इसके लिए 90 डेज का पीरियड जो है वो प्रोवाइडेड है, जो बाज लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। विद इन डेज वो बाहर के जो रिसर्च जर्नल्स पब्लिशर्स वाले हैं वो इमीडिएटली कर देते हैं, तो हम भी जो है वो कोई इसको टाइम पीरियड को कम करें। तो इस हवाले से क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें किसी की जॉब, किसी के जो कैरियर के हवाले से क्वेश्चन उठते हैं, तो वो जो रेलेवेंट फोरम है जैसे सिंडिकेट या BOG हो गए, तो उनकी मीटिंग्स जो है इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होती, साल में कोई 2 दफ़ा होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा। तो ये 90 डेज इसलिए दिए गए हैं कि अगर कोई सीवियर पेनल्टी अवार्ड की जाती है तो उसको प्रॉपर जो है अपील का टाइम भी दिया जाए, और जो रेस्पेक्टिव फोरम है वहाँ पर उस मैटर को लिया लेके जाया जाए, और अगर उस फोरम की कोई फर्दर रिकमेंडेशन है इंक्वायरी करने की EMD रूल्स के तहत तो वो भी पूरी की जाए, इसलिए ये टाइम पीरियड दिया गया है। इवन 90 डेज में भी बहुत सारे इदारे हमें जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, और फिर HCC की प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी उस केस को डिसाइड करती है एज पर SOPs। देन जो हमारी फर्दर उस कमेटी जो प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी थी उसको अब तो पॉलिसी के अंदर हम नाम देना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी UPSC, ताकि स्पेसिफिक हो जाए कि ये कौन सा पर्टिकुलर जो है इदारा इसको कर रहा है, HCC PAC या UNSG PAC। अब ये दो डिफरेंट एंटिटीज बन जाएंगी इसमें, क्योंकि HCC नामिनी हम इसलिए रखते होते हैं कि जो प्रोसेसेस वहाँ पर कैरी किए जा रहे हैं, कंप्लेनेंट को मौका दिया जा रहा है, अक्यूज को मौका दिया जा रहा है, या जो लीगल एक्सपर्ट है उसको कंसल्ट किया जा रहा है, या जो रेलेवेंट पब्लिशर्स हैं उनको कंसल्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो HCC नामिनी जो होता है वो जस्ट ऑब्जर्वर होता है कि वो प्रोसेसेस ठीक हो रहे हैं या नहीं होते। माजरत के साथ बाद यूनिवर्सिटी ने तो सारी इंक्वायरी का मुद्दा जो है वो HCC नामिनी में डाल देते हैं, उसको TADA उसको ऑनरेरियम भी नहीं देते, और उसको जो एक तरह से वेलकमिंग बिहेवियर भी वो शो नहीं करते। तो ये हमें कई दफ़ा रिपोर्ट मैटर होता है कि जी हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, हमें लेने यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नहीं आया। तो ये इस तरह के मामलात हैं जिनको हम सोचते हैं कि वेदर HCC नामिनी रखें भी या ना रखें। आपकी इसमें क्या राय है HCC नामिनी के हवाले से? सर एक तो अब कुछ चीज़ें कोविड की वजह से हमारे रेडार में आ गई हैं जो पहले पॉसिबिलिटी सोची भी नहीं जा सकती थी, सच एज के जूम पे या जिस तरह ये सेशन अब MS टीम पे हो रहा है, वरना 2 साल पहले आप लोगों ने सबको इस्लामाबाद बुलाना था और उसमें से जो लोग आ सकते सिर्फ वही उन्होंने ही मुस्तफ़ीद होना था, राइट। सो आई थिंक के दीज प्रैक्टिस शुड कंटिन्यू। HCC का जो भी नॉमिनी होगा वो
बाय जूम या बाय मतलब इस तरह से इनकॉर्पोरेट होना चाहिए. ऐसे फजूल में टी ए डी ए जो पता नहीं क्या क्या सिलसिले शुरू खुल जाते हैं. और सेकेंडली मैंने वो चैट पे भी लिखा है कि जो लास्ट पॉइंट था मेंबरशिप के हवाले से उस कमेटी स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें आपको लाजमी इन ब्लैक एंड वाइट ये चीज़ लेके आनी चाहिए. आई थिंक वो हमारे नेशनल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके सिलसिले में भी होता है, बट क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इस मोमेंट पे. सिर्फ सीनियोरिटी डजंट कट इन पाकिस्तान. तो वो जो मेम्बरशिप है दैट शुड डिमांड के जितने भी मेम्बर्स होंगे उनकी अनब्लेमिश्ड पर्सनल एकेडमिक इंटेग्रिटी होनी चाहिए, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के कोई क्वेश्चन ना कर सके उनकी अपनी इंटेग्रिटी पे. ओनली दोज शुड बी मेड मेंबर्स. ये यूनिवर्सिटी की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अदरवाइज सिर्फ सीनियर्स लिख देंगे तो वी नो, आपने खुद जिक्र किया है, वो फिर डेमोक्रेसी को मिस यूज करते हैं. सीनियर्स इकट्ठे हो गए हैं तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है. कुछ चेक्स यानी पॉलिसी के लेवल पे इस तरह के होने चाहिए जो फिर हमारे माहौल में हमारे मसलों को हल करें, ना कि एग्रीवेट कर दें मसलन, हमारे मजीद एग्रीवेट ना करें. थैंक यू. ग्रेट सर, ये वर्चुअल जो मीटिंग्स है उसका बिल्कुल अपना एक फ़ायदा होता है, मगर बाज़ औक़ात जो है वो बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करना होता है सबकी, तो उसके लिए वो एक्सपर्ट कहते हैं कि जी हम ऑन साइट जाके वो रिकॉर्ड भी देखें, वो उनसे इंटरेक्ट भी करें. तो लेट अस सी के हम ये ऑप्शन इसको किस तरह एक्सरसाइज करते हैं. पर्सनली तो मैं यहाँ तक हूँ कि एच सी नॉमिनी होना ही नहीं चाहिए. वो उसके लिए फिर वो आगे चल के कम्प्लिकेशंस ये भी होती हैं कि लोग कोर्ट में चले जाते हैं और फिर वो उस एच सी नॉमिनी को कॉल करते हैं, जी आ जाएं आप ही ज़रा बताएं. तो ये थोड़ा डायनामिक्स जो हमारी है उस वजह से. ओवरऑल तो वैसे यूनिवर्सिटी की ओनरशिप है सारे मामले में. सर उसके बाद हमने जो ये इसकी जो लेजिस्लेटिव ट्रेनिंग कमेटी के हवाले से सारी वो एक तरह से उसके टी ओ आर्स हैं कि उन्होंने सारी जो भी अक्यूज और कंप्लेनेंट उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होगा और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे जो लीगल ऑब्लिगेशन हैं या जो लीगल साइड है उसकी, वो सारी देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे. अगर हम आ जाते हैं जो पेनल्टीज हैं डायरेक्ट उस पे कि मेजर माइनर और मॉडरेट, हम तीन ये लेवल्स बता रहे हैं. बाकी दुनिया में इसी तरह लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री कहीं पे कोई नॉमेनक्लेचर है, बट अगेन है इसी तरह का. जो मेजर पेनल्टी की डेफिनेशन पहले प्रोवाइडेड थी वो बड़ी जेनरिक सी थी. अगर हम उसमें मेजर पार्ट कह देते हैं, मोस्ट ऑफ द पेपर कह देते हैं, वो वेदर उसको क्लियर करता है या नहीं करता, तो इस हवाले से मैंने उसको कुछ रिफाइन किया है. आप लोगों की इसमें गाइडेंस चाहिए होगी कि इसको मेजर पेनल्टी को हम स्कोर कार्ड बेस्ड कोई कर दें उसको, जिस तरह यूके में एक वो उन्होंने अंबर प्रोजेक्ट किया था और उसमें वो स्कोर कार्ड यूज़ किया था, मैंने शेयर भी किया था ईमेल के साथ. उससे ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस वाली जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाती है कि वो असेस अक्यूज भी खुद कर सकता है कि वेदर उस पे पेनल्टी कौन सी अवार्ड होगी या वेदर वो जस्टिफाइड है या नहीं है. और इंडिया की यूजीसी ने भी रिसेंटली जो पॉलिसी दी है 2019 में, उसमें उन्होंने इस तरह लेवल वन, लेवल ज़ीरो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, मतलब चार लेवल्स उन्होंने बताए हुए. बट वो सारी डिपेंडेंट है इस पे जो हमारा टर्निटिन है उसके ऊपर उन्होंने रखा हुआ है उसको. तो ये स्पेसिफिकली आपसे गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी इस हवाले से. देन में आ जाता हूँ इस पे जो हमारे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर. पेनल्टीज एक्सरसाइज भी की जाती हैं और ये क्योंकि एक कमज़ोर तबका है तो इसके ऊपर जो है बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट भी जारी की जाती हैं, जिनकी वजह से वो रिसर्च को अवॉइड भी करते हैं और इन फ्यूचर वो जो है अच्छे बच्चे रिसर्च नहीं करते और कोई और काम करना शुरू कर देते. तो स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5,
सबसे ज्यादा एक तरह से हम पेनल्टीज रिकमेंड कर रहे हैं, और मदरस के साथ में खुद एज ए स्टूडेंट अगर सोचूं तो ये ज्यादती होगी, तो इसके हवाले से भी आपकी सजेशन रिक्वायर्ड होगी। देन जो बाकी पार्ट है कोऑथरशिप के हवाले से, कि कोऑथर का रोल कितना होना चाहिए, वेदर इक्वली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उसके लिए वो जो करिस्पॉन्डिंग ऑथर है उसको हम रिस्पॉन्सिबल फिक्स करें। अपील का प्रोसेस जो है ना वो एट द मोमेंट जो है वीसी या एचईसी चेयरमैन को अपील की जा सकती है, तो वो 30 डेज के अंदर हमने उसको नहीं छेड़ा, वो उसी तरह रखा। अलबत्ता हमने एसओपी जो अपील के लिए हैं वो इसमें इंक्लूड किए हैं, ये एडिशन इसमें है। तो फर्दर जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगेन अगर टाइम मिले तो एक दो दिन में वीकेंड तक मुझे इसकी जो है फीडबैक इस हवाले से अगर मिल जाएगा तो चीज़ें जो है इम्प्रूव होंगी इंशाल्लाह। और ये ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जो कंसल्टेशन के थ्रू हम पॉलिसी को बेहतर करें। जो हाउ टू इंटरप्रेट टर्निटन की रिपोर्ट के हवाले से मैंने वो शेयर की थी आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट, उसमें भी काफ़ी मुझे फीडबैक मिला है। बट वो जो वेबसाइट थी जिस पे मैंने ये गूगल फॉर्म पे रखे थे वहाँ पर सिर्फ 16 लोगों ने कमेंट्स किए हैं जो कि ज़्यादा होने चाहिए थे। तो काइंडली अगेन ड्यूरिंग दिस वीकेंड अगर आपको टाइम मिले तो इसको रिव्यू कर लें और हमें शेयर कर लें ताकि हम इसको बेहतर कर सकें और उसको अथॉरिटीज़ के सामने प्रेजेंट करें। ये डॉक्यूमेंट था जो मैंने एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस जो इंटरप्रेट ओरिजिनलिटी रिपोर्ट के हवाले से था कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिमिलरिटी इंडेक्स का जो है कन्फ्यूजन जो मैडम शुमाइला ने भी अर्ज किया और दूसरों ने भी कि सिमिलरिटी स्कोर को ही इंटरप्रेट किया जाता है। सिमिलरिटी स्कोर किस चीज़ से आ रहा है, वेदर वो साइटेड है या वेदर वो कॉमन नॉलेज है, क्या चीज़ है वो से उसको इंटरप्रेट किए बगैर वर्डिक्ट दिया जाता है। तो ये अगेन डॉक्यूमेंट आपके साथ मैंने शेयर किया था, इस पर काइंडली आप हमें फीडबैक दे दीजिएगा। जो मेरा प्रपोजल है अगर उसे एग्री करते हैं तो वो भी ठीक है, हम उसको फिर उसी तरह कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच जी आपका, मैंने काफ़ी टाइम लिया। अजहर दिलशाद साहब और डॉक्टर हुमायूं साहिबा, तो डॉक्टर साहब आप पहले बताइए इस हवाले से। डॉक्टर अजहर दिलशाद साहब काफी सारे पॉइंट जो आपके प्रपोजल हैं सारे बेहतर हैं। जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें जो एक है कि जो अगर ऑथर का अपना कोई काम है और उसमें सिमिलरिटी आ रही है तो उसमें आपने कहा है कि वो नॉट टू मच अगर है तो वो ठीक है इग्नोर हो जाएगा, लेकिन इसमें दो कैटेगरीज हैं। अगर सिमिलरिटी आ रही है उसके दो रिसर्च पेपर्स में तो वो तो बस बहुत थोड़ा सा सिमिलर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि दो अलग अलग पेपर्स हैं। अगर दोनों पेपर्स में टू मच सिमिलरिटी है तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो ऑथर का थीसिस है, क्योंकि थीसिस का काम HEC खुद कहती है आप पब्लिश करें, तो थीसिस का जो काम पब्लिश होता है उसमें वो सारी चीज़ें रिसर्च पेपर में जाती हैं, उसके रिसर्च प्रॉब्लम, उसके रिसर्च के रिजल्ट्स, मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, डिस्कशन, सब कुछ जो है वो रिसर्च पेपर में जाता है। तो थीसिस का तो टू मच होगा कि अगर थीसिस से रिसर्च पेपर आया है, तो इस एस्पेक्ट को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि थीसिस से अगर सिमिलरिटी आ रही है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पूरा रिसर्च पेपर चैप्टर में डाल देती हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में खासतौर पर, तो 5 पेपर अगर स्टूडेंट के हैं तो 5 जो है वो चैप्टर उसके उसी पेपर पे होते हैं, तो वो फिर अगर ऐसी कंप्लेन आई तो वो तो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो थीसिस से सिमिलरिटी, क्योंकि थीसिस कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन थीसिस से सिमिलरिटी को एक अलग कैटेगरी में रख लीजिए, और दो रिसर्च पेपर अगर उसके हैं और उसने अपने पिछले पेपर से सब्सटेंशियल मटेरियल कॉपी किया हुआ है तो वो वहाँ पर फिर एक चेक होना चाहिए। तो उम्मीद है कि पॉइंट आ गया होगा सर। बिल्कुल, थैंक यू। डॉक्टर हुमायूं जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर मुनीर अहमद फॉर सच अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन। आई वुड लाइक टू ऐड 2 पॉइंट्स हियर। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेजरिज्म स्टैंडिंग कमेटी। आई वुड लाइक टू हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ QEC इन दैट कमेटी एज वेल,
And the second point is with respect to the affiliated colleges. This is still a gray area with respect to the plagiarism standing committee. How to deal the cases of affiliated colleges? There should be something worth mentioning here. बहुत शुक्रिया मैंने ये नोट किया है थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर राशिद साहब जी अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरा एक मुख्तसर सवाल ये था कि वर्ड प्लेजरिज्म वर्सेस सिमिलैरिटी इंडेक्स तो एक फ्लेवर जो है प्लेजरिज्म के जब भी हम वर्ड यूज करते हैं एक नेगेटिव फ्लेवर जा रहा होता है तो क्या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए वर्ड को या कोई और सब्स्टिट्यूट वर्ड जैसे सिमिलैरिटी इंडेक्स है क्या वो आप कर सकते हैं एक पहला सवाल तो ये है मेरा दूसरा सवाल का ताल्लुक है सेल्फ प्लेजरिज्म से जैसे कि अदर साहब ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि स्टूडेंट का अपना ही काम जो है वो थीसिस में रिप्रेजेंट होता है वो किस एक्सटेंट तक हो सकता है क्योंकि ये सवाल बार बार मेरे पास आता है बीइंग अ फोकल पर्सन या एज एन एक्सपर्ट कि एक एक जो कैंडिडेट है वो कितना मतलब अपना किस तरह से अपने काम को थीसिस में रिप्रेजेंट कर सकता है दो सवाल मैंने किए सर अस्सलाम वालेकुम सर जो प्लेजरिज्म और सिमिलरिटी के हवाले से बात आपने की तो राशिद साहब जो सिमिलरिटी है वो रिपोर्ट की जनरेट होती है उसको सिमिलरिटी रिपोर्ट कहा जाता है उस रिपोर्ट की इंटरप्रिटेशन के बाद अगर कोई चीज सिग्निफिकेंट वहां नजर आती है तो फिर प्लेजरिज्म कहा जाता है तो रिपोर्ट को सिमिलरिटी रिपोर्ट दुनिया भर में कहते हैं या ओरिजिनलिटी रिपोर्ट कहते हैं क्योंकि वो शो करती है ओरिजिन ऑफ टेक्स्ट विद सोर्स तो प्लेजरिज्म सिर्फ तब कहा जाए जब वो डिटरमाइन हो जाए इंटरप्रिटेशन के बाद कि ये वाकई प्लेजरिज्म है बाकी जो सेल्फ प्लेजरिज्म वाली बात आपने की कि थीसिस से पेपर रिप्रोड्यूस करना तो प्लेजरिज्म की डेफिनेशन में नहीं आता क्योंकि प्लेजरिज्म इज समथिंग जो आप किसी और का काम रिप्रोड्यूस करते होते हैं ये तो दुनिया भर में नाम है जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 5 पेपर्स अगर पब्लिश किए जाते हैं तो उन्हीं को थीसिस में कन्वर्ट किया जाता है तो डेटा सेम होगी और वैसे भी पेपर की डेफिनेशन एक समराइज्ड वो एक होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च अगर थीसिस से पेपर प्रोड्यूस किया हो रहा किया जाता है तो ये थोड़े ऐसे सब्जेक्टिव मैटर हैं जिसको हर सब्जेक्ट डिफरेंट वे से देख रहा होता है वो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जो है वो ज़्यादा मैटर करता है इसमें हम कोशिश करेंगे कि पॉलिसी में ये चीज़ ये पॉइंट जो है ना सेल्फ प्लेजरिज्म का और थीसिस वाला ये दोनों और ओरिजिनलिटी रिपोर्ट और सिमिलरिटी रिपोर्ट को हम प्लेजरिज्म के तौर पर इस तरह ना एंटरटेन करें सर सिमिलरिटी रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं कि ये अभी कमेंट आपने किया किसने किया है हाँ डॉक्टर शुमाइला तारिक ने जो कमेंट किया है कि सिमिलरिटी शो प्लेजरिज्म नहीं सिमिलरिटी रिपोर्ट जो है वो सिमिलरिटी शो करती है उसको एक दफ़ा इंटरप्रेट करना होता है इंटरप्रेट करने के बाद अगर वो डिटरमाइन होता है कि ये मटेरियल साइटेड नहीं है ये इसका अपना नहीं है ये वायोलेशन है एकेडमिक इंटीग्रिटी की एथिक्स की रिसर्च एथिक्स की तो फिर प्लेजरिज्म उसको कहा जाता है जी PFID सर आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही जी पॉइंट 6 की बात कर रहा हूं मैं सर जी जी फोटोग्राफी कॉपीड साइटिंग मटेरियल में भी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिटरमिनेंट रिपोर्ट आफ्टर वेरीफाइंग यानी ये सेंटेंस ही कह रहा है कि ऐसा मटेरियल जो प्रॉपर्ली साइट हुआ है उसको डिटरमिनेंट की और डिटरमिनेंट रिपोर्ट से निकाल दें जैसे ये आप प्रोपोज वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं या जो पहले से मौजूद है जी कॉपी करता है उस कॉपी में ये मटेरियल को पेस्ट करके प्रॉपर साइट कर देता है तो वो भी क्रिटिकल जाएगा सर नहीं ये तो आप देखें वो हम टाइप्स जो पढ़ रहे थे उसमें देखा था कि
जस्ट वो सोर्सेज को साइड कर देना और पैराफ्रेज करना, ये भी एक प्लेजरिज्म की टाइप है। मेरा ख्याल है इसको भी राइट करने की जरूरत है। ठीक है, चले आप जिस तरह सजेस्ट करते हैं इसको हम फर्दर इंप्रूव करने के लिए रीराइट कर लेंगे। सो फर्दर जो भी आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मेरा ईमेल और मेरा इवन मोबाइल नंबर भी आपके पास है, जहाँ भी आपको कोई ख्याल आए आप मुझे वो जस्ट मैसेज कर दें, कोई पॉइंट शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह मैं उसको इनकॉर्पोरेट करके जो है अथॉरिटीज़ के सामने प्रेजेंट करूँगा और जो ड्राफ्ट होगा अगेन हम जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं हमारे उस रिक्वेस्ट के ऊपर उनके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, हमारे बहुत सीनियर लोग भी शामिल थे और हमें हमेशा उनसे इंटरेक्ट करके सीखने को मौका मिलता है, तो लेट अस वर्क टुगेदर फॉर बेटर आर क्वालिटी रिसर्च कल्चर, और ये मिलके सारे स्टेक होल्डर्स कर सकते हैं और इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।